चुनावी साल में संगठन की सत्ता बुलंद होती है, चाहे दल कोई सा भी हो। राजस्थान में कांग्रेस ने चुनावी साल में संगठन की मजबूती के कार्य शुरू कर दिए हैं। जिला स्तर से कांग्रेस ने कार्यकारिणी सूचियां मांगी है। सभी जिला कांग्रेस कमेटियों को निर्देश दिए गए हैं। कार्यकारिणी में पदाधिकारियों की सियासी जानकारी की जाति का उल्लेख किया जाए। ये रिपोर्ट देखिए। राजनीति में जाति को नकारा नहीं जा सकता, भले ही कितने भी गैर जातिवाद का नारा बुलंद किया जाए, टिकट तो जाति देखकर ही दिए जाते हैं। अब संगठन में भी जाति की पूछ नजर आ रही है, सामाजिक जानकारी का उल्लेख किया जा रहा है। आइए दर्शाते हैं वो सर्कुलर जिसके अनुसार कार्यकारिणी के नामों को भरा जा रहा है। एक्सेल शीट पर जाति का विशेष तौर पर उल्लेख करना होगा, पता, विधानसभा क्षेत्र, वोटर आईडी, व्हाट्सएप नंबर, कार्यकारिणी सदस्य के वर्तमान और पूर्व पद की जानकारी देनी होगी। कांग्रेस संगठन की मजबूती के मद्देनजर और AICC के गाइडलाइंस के अनुसार जिला कार्यकारिणी सदस्य या पदाधिकारी की पूरी जानकारी मांगी जा रही है। कार्यकारिणी का परफॉर्मा बिना जाति के पूरा नहीं हो रहा। कुछ दिनों पहले मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ने जयपुर में कांग्रेस के कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित किया था। अब कांग्रेस की कोशिश है कि तमाम पदाधिकारी, कार्यकारिणी के सदस्य और नीचे तक के जो भी पार्टी के वर्कर हैं, जो किसी न किसी पद पर हैं, उनका तमाम डेटा संग्रहित करके उसको सहज के चुनावी इस्तेमाल में लाया जाए। और अब जो नई जिले की कार्यकारिणियाँ अस्तित्व में आ रही है, उनको स्पष्ट तौर पर ये कह दिया गया है कि तमाम जो भी कार्यकारिणियाँ होंगी उनका पूरा दस्तावेजीकरण ऑनलाइन एक्सेल शीट पर होगा और जातिगत और तमाम जो ब्यौरे हैं वो उसमें समाहित होंगे। जाहिर सी बात है, इलेक्शन ईयर है और यही कारण है कि अपने कुनबे को दुरुस्त करने में कांग्रेस पार्टी जुट गई है। कैमरा जर्नलिस्ट संजय के साथ योगेश शर्मा, फर्स्ट इंडिया, जयपुर।